एहतियात से कोरोना को मात। हाथ साफ तो कोरोना साफ। खुद को बचाएं। दूसरों को भी रखें महफूज। दिल मिलाएं, हाथ नहीं। नमस्ते करें। समझदार बनो, कोरोना से बचो। और आइए खास खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड सिंगर में कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो गई है। हाल में लंदन से लखनऊ लौटी थी कनिका कपूर, हाई प्रोफाइल पार्टी में भी हुई थी शामिल। तो लखनऊ में अब तक 9 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर में कोरोना वायरस की पुष्टि। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई शहरों की कई पार्टियों में भी शामिल हुई थी बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। ये होली पार्टी की तस्वीरें हैं, होली मिलन की तस्वीरें हैं, जहां पर इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर लोगों के बीच। तो कनिका कपूर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, इसकी तस्दीक उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर भी की। उन्हें बुखार है जिसके चलते वो लखनऊ के अस्पताल में भर्ती हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें होली की हैं। होली मिलन कार्यक्रम में लोगों की भीड़ के बीच कनिका कपूर को देखा जा सकता है, जो होली खेल रही है फूलों के साथ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ में घिरी हुई है कनिका कपूर। 9 मार्च को लंदन से लौटी थी, एयरपोर्ट पर भी उनकी स्क्रीनिंग हुई और इस तरह की भी खबरें आई कि वो स्क्रीनिंग से बच रही थी। हालांकि उसके बाद वो अपने माता पिता के यहाँ लखनऊ में रह रही थी और अब उनको कोरोना की पुष्टि हुई है। तो लखनऊ में भी कई पार्टियों में वो शामिल हुई। ऐसी ही एक होली मिलन कार्यक्रम की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कई महिलाएं और पुरुष, जिनके बीच, लोगों की भीड़ के बीच बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर मौजूद है। तो तस्वीरें एक बार फिर से आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं, कानपुर से सहयोगी प्रभात अवस्थी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों का रुख करेंगे, पहले मैं लखनऊ का रुख करूंगा। वीरेश जी, ये जानना चाहेंगे, तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली हैं। बॉलीवुड सिंगर में कोरोना की पुष्टि हुई, होली मिलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई पार्टियों में बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने शिरकत की है, कई लोगों के बीच उनकी मौजूदगी दर्ज हुई है। कितने बड़े खतरे की बात है, क्योंकि कोरोना को लेकर ना सिर्फ पूरी दुनिया में, अब भारत में भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है। देखिए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं होली समारोह की, उसमें एक और बड़ी बात आपको बताऊं, जो एक शख्स उसमें दिखाई दे रहे हैं वो मायावती गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, अनंत मिश्रा, अंटू मिश्रा वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं 2007 से लेकर 12 तक उत्तर प्रदेश सरकार में, मायावती की गवर्नमेंट में। और दूसरी जो कनिका की पार्टी हुई है लखनऊ में हाल में, उस पार्टी में जो अभी मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, वो और उनकी पूरी फैमिली मौजूद थी। साथ ही साथ उस पार्टी में वसुंधरा राजे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह, वो भी शामिल थे। और साथ ही साथ 50 से ज़्यादा ऐसे ब्यूरोक्रेट्स लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के शामिल हुए हैं। और लगभग जो जानकारी है, 10 ऐसे मंत्री हैं योगी सरकार के जो भी उस पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है मामला कि कौन कौन है उसमें। सरकार कोशिश कर रही है, जो यहाँ के CMO हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं।
और पूरी सक्रियता के साथ जो मिशनरी लगी हुई है इस पूरे मामले को लेकर वो एक्टिव है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं। इस पूरे मामले में सरकार का सहयोग कनिका कपूर और उनका परिवार कर रहा है, उनके पिता राजू कपूर भी इस पूरे मामले में जितनी भी चीज़ें हैं उसका सहयोग कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं, वो अपने याद करके वो बता रहे हैं कि पार्टी में कौन कौन से लोग आए थे, कनिका कहाँ कहाँ गई थी, वो कानपुर गई तो कानपुर में कहाँ रुकी थी और उन रिश्तेदारों में कौन कौन थे, ऐसे सारे आंकड़े जो उनके परिवार के लोग हैं वो दे रहे हैं सरकार को, ऐसी एजेंसियों को जो इस पूरे काम में लगे हुए हैं। लखनऊ में SGPGI में आइसोलेशन वार्ड में कनिका कपूर को रखा गया है। ये एक गंभीर मामला तो ज़रूर है लेकिन फिर भी जो सरकार है अपने स्तर पर काम बहुत सक्रियता से कर रही है और लगातार योगी मुख्यमंत्री मैं लौटूंगा आपके पास इस पूरे मैं लौटूंगा आपके पास जरा दर्शकों को सुना दे अपनी सफाई में बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने क्या कहा। मेरी तबीयत खराब है, मैंने मंदिर से अपना कमरा नहीं छोड़ा है, 3 दिन से मैं यहाँ के ऑफिशियल से पीछे पढ़ के अपना टेस्ट कराया है। 13 तारीख को हमारे हम सब छोटे से फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है ये जी, ये हमारे रिलेटिव हैं जी, एंड मैं अपने माँ बाप के साथ मुंह दिखाने के लिए, बर्थडे उनकी थी, हम उनके बच्चे बेटे थी जो हमारे, हम लोग सब साथ में पले बड़े हैं, उनको हम चाचा चाची बोलते हैं, तो फैमिली गेट टुगेदर था छोटा जी, एंड हम वहाँ मुंह दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए गए थे मैं और मेरे पेरेंट्स। मैं अपने माँ बाप के पास सीधे आई हूँ एंड हमारी ऐसा, और हमने कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया उस समय, ऐसा मेजर कोई अनाउंसमेंट नहीं था और ये जो छोटे गेट टुगेदर्स थे सिर्फ यही हुए हैं और उस समय ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था। जैसे ही अनाउंसमेंट हुए हैं जब यहाँ बाप आ गए उसके बाद से हम लोग में से कोई भी कहीं नहीं गया। तो सुना आपने गायिका कनिका कपूर ने क्या कहा अपनी सफाई में। वीरेश पांडे जी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। वीरेश जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लखनऊ में जो लगातार पार्टियों का सिलसिला चला जहां पर शिरकत की थी बॉलीवुड गायिका ने कनिका कपूर ने और उनके बीच वहां कई ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे, ब्यूरोक्रेट्स के अलावा कई नेता वहां पर मौजूद थे, सांसद वहां मौजूद थे, कई पॉलिटिशियन वहां पर मौजूद थे, क्या उनको लेकर भी कोई कदम उठाए जाएंगे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री और उनका परिवार जो कोरोना से वायरस से जो भी बचने का और जो भी उपाय है वो करना शुरू कर दिए हैं और उनकी भी जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है और साथ ही साथ जो भी कनिका की पार्टी में, मैं आपको बताऊं कि कनिका ने लखनऊ में 3 पार्टियां की हैं और कानपुर में 13 से 14 तारीख को वो रही हैं, जो जहाँ जहाँ कनिका रही हैं, जहाँ जहाँ पार्टियों में जो लोग शामिल रहे हैं उनको ज़ीरो इन करने की कोशिश की जा रही है और इसमें कनिका और कनिका का परिवार, उनका जो फ्रेंड सर्किल है, वो सारे लोग एक तरह से सहयोग कर रहे हैं सरकार का और सरकार बहुत जल्दी ही जो उन पार्टियों में शामिल लोग हैं उनको अपनी तरीके से जो स्वास्थ्य की जो प्रक्रिया है उसके तहत लाएगी और ये जो हमारे पास जानकारी है सरकार भी उनसे बात कर रही है और जो कनिका के पिता हैं वो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, जो लखनऊ के CMO हैं उनका सहयोग कर रहे हैं और KGMU के जो डॉक्टर्स हैं उनका सहयोग कर रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पार्टियों में कौन कौन शामिल थे और सरकार उन लोगों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है और उन्हें वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके। जी वीरेश जी आप रहिए हमारे साथ, हम आपके पास वापस लौटेंगे। अब रुक करते हैं कानपुर का, प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं सीधा। प्रभात आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि जानकारी मिल रही है 13 और 14 मार्च को कनिका कपूर जो हैं वो कानपुर भी रहीं, कई जगह पर उन्होंने शिरकत की वहाँ। अब क्योंकि कोरोना वायरस के कनिका कपूर में पॉजिटिव पाए गए हैं संक्रमण, क्या वहाँ पर कहाँ कहाँ उन्होंने शिरकत की और वहाँ अभी क्या खबर मिल रही है आपके पास, क्या जानकारी है। जी बिल्कुल, अभी आपको बताना चाहूँगा अगर बात कानपुर की जाए तो जैसे ही लोगों को पता चला है कि जो कनिका कपूर हैं वो पॉजिटिव पाई गई हैं, उसके बाद जो यहाँ पर उनके रिलेटिव रहते हैं, उनके मामा जो हैं वो नवाबगंज स्थित जो कल्पना अपार्टमेंट है, जो मेरा अपने कैमरा सहयोगी अंकित आपको दिखा रहे हैं, ये सामने जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं यहीं पर उनके जो रिलेटिव हैं वो रहते हैं, फ्लैट नंबर 902 है उनका और यहाँ पर वो 12 और 13 तारीख को यहाँ पर आई थी क्योंकि यहाँ पर एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, उसमें शिरकत करने पहुँची थी। उसी दरमियान की जो तस्वीर
तस्वीर है वो भी एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर लगभग 50 से 100 लोग जो थे गृह प्रवेश में मौजूद थे, उनके साथ वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो साफ है कि लोगों ने उनके साथ सेल्फीज ली, क्योंकि एक सेलिब्रिटी है तो साफ तौर पर होता है कि जब सेलिब्रिटी आता है तो लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, और लोगों को ये नहीं पता था कि ये किसी तरह से कोई इफेक्टेड है या किसी तरह का इनके अंदर कोई पॉजिटिव पाया गया। लेकिन जब से ये बात सामने आई है कि वो इन्फेक्टेड हैं और उनके पॉजिटिव पाया गया कोरोना, उसके बाद से जो अपार्टमेंट है उसके आसपास के क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। जो लोग हैं उन्होंने, क्योंकि जो जो उस पार्टी में सम्मिलित थे उन लोगों के साथ साथ जो उनके रिलेटिव हैं, जो उनके मामा, उन्होंने उनके पूरे परिवार ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। और सबसे बड़ी जानकारी जो हम आपको बताना चाहेंगे, हालांकि यहाँ पुलिस जो है वो पहुँच चुकी है, लोगों को दूर करने का काम कर रही फ्लैट के बाहर से, लेकिन सबसे अहम जो बात निकल कर सामने आती है, लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है वो साफ देखी जाती है। क्योंकि अभी तक हम यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया जो कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम अभी तक फ्लैट नहीं पहुँची है। हालाँकि कल तक जो उनके रिलेटिव थे वो लोगों से मिलजुल रहे थे, लेकिन जब आज मालूम चला है कि कनिका जो उसके बाद उन्होंने खुद को अपने जो फ्लैट है उसमें बंद कर रखा है। पुलिस के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, सिपाही मौजूद हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आती है। और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, अभी तक कोई भी टीम जो है वो यहाँ नहीं पहुँची है, ना ही किसी तरह का आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, ना ही किसी तरह का कोई यहाँ पर छिड़काव किया गया अभी तक। क्योंकि जब से ये जानकारी लोगों को मिली है कि इस फ्लैट में वो आई थी, तो साफ है कि अब तक स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसको यहाँ पर आना चाहिए था, अधिकारियों को आना चाहिए था, और ख़ासकर जो जो लोग उस पार्टी में मौजूद थे वो लोगों को यहाँ पर आकर उनकी जांच करनी चाहिए थी, सैंपल लेने चाहिए थे, और अब तक वो प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर कोई टीम नहीं पहुंची, सिर्फ और सिर्फ जो सिपाही हैं पुलिसकर्मी वो पहुंचे, वो भी किन संसाधनों में पहुंचे वो भी आपको दिखाना चाहूंगा कि उनके पास खुद मास्क नहीं है, मुंह पर रुमाल बांधे हुए मौजूद है यहाँ पर। तो साफ है कि कानपुर जो है वो कितना तैयार है, इसकी तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि वो खुद मास्क लगाए हुए तो खुद अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो एक बड़ी फेलियोर है, क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार हर जगह पहुंच रही है, तो उनको मुहैया कराना चाहिए था सैनिटाइजर और मास्क, वो भी नहीं मुहैया कराया गया। तो साफ है कि एक लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। जी लवी जी प्रभात, ये जो जो प्रोग्राम था गृह प्रवेश का, जहां पर कनिका कपूर पहुंची थी, उनके रिलेटिव के यहाँ पर ये प्रोग्राम था जिसमें 50 से 100 लोगों ने शिरकत की थी, इस पूरे सोसाइटी में कितने अपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पर आइसोलेशन को लेकर क्या कोई अब तक खबर मिल पा रही है, क्या लोगों का क्या कहना है, वो क्योंकि डरे हुए होंगे, उनकी जांच कब तक होगी और कब आइसोलेशन का की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी? जी बिल्कुल, सबसे अहम सवाल जो है वो यही उठता है, क्योंकि अब तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब लोगों को मालूम चला है कि इस फ्लैट में जो कनिका कपूर है वो आई थी और उसके साथ तकरीबन 50 से 100 लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की थी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, जैसा कि पहले बताया गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी यहाँ पर टीम नहीं पहुँची है, ना ही किसी तरह का कोई आइसोलेशन का जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट किया गया है। जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने अपने आप को घरों में ही, अब अपनी फ्लैट में ही बंधक एक तरह से कहें कि अपने आप को बंद कर रखा है। जो लोग अभी 4 घंटे पहले लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लोगों से सबसे घुल मिल रहे थे, सब जगह जा रहे थे, लेकिन अब जब से उनको मालूम चला है कि यहाँ पर कनिका कपूर आई थी तो कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से वो लोग अपने आप को घर में बंधक कैद करे हुए हैं, उनके जो रिलेटिव हैं वो भी अंदर खुद को कैद करे हुए हैं। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुँची है जो यहाँ पर आकर उनको जो आगे की प्रक्रिया है, जो जाँच की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट किया जाए। बस पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं कि किसी तरह के लोग वहाँ पर इकट्ठा ना हो, लोगों को दूर हटाने का, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता जरूर है, लोग करीब करीब नहीं जा रहे, हर कोई मास्क लगाए हुए है, लेकिन फिर भी लेकिन एक लापरवाही जो है वो सामने आती है कि अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, किसी तरह की कोई स्वास्थ्य टीम। प्रभात, लौटेंगे हम आपके पास, लौटेंगे हम आपके पास, हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, वो बड़ी खबर आपको बता दें कि कार्रवाई की बात सामने आ रही है, एपिडेमिक एक्ट के तहत दोषी मिलने पर कनिका कपूर पर कार्रवाई हो सकती है। तो सीएमओ ने कनिका पर कार्रवाई को लेकर यह बड़ी बात कही है, इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ प्रशासन ने कनिका पर कार्रवाई की कही बात, एपिडेमिक एक्ट के तहत दोषी मिलने पर होगी कार्रवाई। सीएमओ ने कनिका पर कार्रवाई की कही बात, 14 मार्च को लखनऊ में थी सिंगर कनिका कपूर। तो वीरेश जी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वीरेश आपसे जानना चाहेंगे, अब एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की बात लखनऊ प्रशासन ने की है, क्या जानकारी आपके पास है इससे जुड़ी हुई? देखिए डॉक्टर नरेंद्र जो सीएमओ हैं लखनऊ के, उनका साफ कहना है कि अगर जिस तरह से लापरवाही की बात सामने आ रही है कनिका कपूर की, और जिस तरह से वो पार्टियों में शामिल हुई, और लगभग सरकार का मानना है और प्रशासन का मानना है कि उन्हें
हल्का सा सिम्टम इस तरह की जानकारी हो चुकी थी, बावजूद इसके वो पार्टियों में घूम रही थी यहाँ से लेके कानपुर में और बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल थी और उन्होंने इस तरह से अपने को आइसोलेट नहीं किया। अगर ज़रा सा भी लापरवाही देखने को अब मिलेगा या स्पष्ट होगा इस पूरी तरीके से, इस पूरे मामले की जो जाँच की जा रही है उसमें स्पष्ट पाया जाएगा तो कनिका कपूर और उनकी फैमिली के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से जो एक्ट है उसको उन्होंने एक तरह से संलिप्त किया है कि इस पूरे एक्ट के तहत कोई भी लापरवाही करता है चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। यही वजह है कि सीएमओ ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले को हम बड़ी सूक्ष्मता से देख रहे हैं और ज़रा सा भी इस तरह का मामला स्पष्ट होगा तो निश्चित रूप से कनिका कपूर और उनके परिवार के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जान आफत में पड़ी हुई है और प्रशासन और जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं उनको भी एक तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में अगर ज़रा सा भी लापरवाही उन्होंने किया होगा और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। वीरेश, जरा इस पर भी रोशनी डालें क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई और जो जानकारी सामने आ रही है कि पार्टी में 500 से ज़्यादा लोग थे लखनऊ में, जो पार्टी में शिरकत की थी बॉलीवुड सिंगर ने, उस पार्टी में काफ़ी लोग थे, कई ब्यूरोक्रेट्स वहां पर मौजूद थे, कई नेता थे, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी वहाँ मौजूद थे जो कल नोएडा में थे और उनके साथ कई विधायक भी मौजूद थे। अब ऐसे में क्या खुद को क्वारंटाइन कर रखा है उसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि लगातार जो नेता थे वो संपर्क में है, जय दुष्यंत सांसद दुष्यंत की अगर बात करें वो भी उस पार्टी में मौजूद थे, उनको लेकर क्या जानकारियां आ रही हैं? देखिए, कनिका कपूर एक बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं और जब उनकी पार्टी थी तो वो तीनों बड़ी अहम पार्टी थी, हम कह सकते हैं कि पेज थ्री के साथ साथ लखनऊ के और लखनऊ के आसपास के जो समृद्ध संभ्रांत और बड़े पावरफुल लोग हैं उस पार्टी में शामिल रहे हैं, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री अपने पूरे परिवार के साथ उसमें शामिल थे और उनके उस पार्टी के बाद और हम कहें कि वो कई ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया, उन्होंने कैबिनेट की बैठक में भाग लिया और निरंतर चूँकि वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और कोरोना प्रकोप को लेकर सरकार बेहद संजीदा है और इसको लेकर तमाम नियम कानून और तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं, उन सारी बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के साथ मौजूद कई ऐसे अवसरों में वो रहे हैं पार्टी के बाद, तो इसके बाद हालांकि उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है तो वो अभी संपर्क स्थापित उनसे नहीं हो पा रहा है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं और बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरें आई हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं उनके परिजनों को क्वारंटाइन की जो भी प्रक्रिया है वो उसमें करने के और सरकार जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ वो सहयोग कर रहे हैं, ऐसी जानकारी है। लेकिन इन पार्टियों में बड़े बड़े लोग आए हैं और मैं आपको बताऊं कि लखनऊ और लखनऊ के सारे लगभग ज़्यादातर रसूखदार लोग उस पार्टी में शामिल रहे हैं, जैसा मैंने होली पार्टी की बात की उसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा अंटू देखे जा सकते हैं और साथ ही साथ चूंकि बड़ी सेलिब्रिटीज़ की पार्टी है इसलिए बड़े लोग उसमें शामिल हैं और उन्हें जीरो इन करने की कोशिश की जा रही है और क्वारंटाइन करने का भी प्रयास सरकार कर रही है। वीरेश जी, आप रहिए हमारे साथ, प्रभात आप भी बने रहिए हमारे साथ, इस बड़ी और अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एबीपी गंगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बॉलीवुड सिंगर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि एपिडेमिक एक्ट के तहत लखनऊ प्रशासन ने कार्रवाई की बात की है बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर पर, तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएमओ ने कनिका पर कार्रवाई की बात कही है। 14 मार्च को लखनऊ में थी सिंगर कनिका कपूर और पार्टी में शिरकत की थी जिसमें 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इससे इतर एक जानकारी यह भी मिली कि कानपुर में भी गई थी कनिका कपूर, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर एक गृह प्रवेश कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने शिरकत की थी और वहाँ भी काफ़ी लोगों के संपर्क में रहीं, तो कई क्योंकि सेलिब्रिटी हैं, कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचाई, कई लोग उनसे मिले। अब ऐसे में वहाँ पर उनके सोसाइटी में जो गार्ड है उसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तेरह रुकी थी तो यहाँ कोई पार्टी वगैरह थी? हाँ, तो उसमें काफ़ी लोग आए होंगे, कितने लोग आए थे भैया? कितने मतलब? डेढ़ दो सौ लोग। किस फ्लोर पे रहते हैं? 902 में। 902, क्या नाम है उनका? विपुल टंडन। क्या करते हैं वो?
उनका भैया कहे था क्या धन बिजनेस है। अच्छा, उनके यहाँ बुजुर्ग हैं लोग? हाँ। क्या लोग हैं? एक। काम करती क्या आपके? अच्छा, तो सुना आपने सोसाइटी गार्ड को भी, उन्होंने कहा कि कनिका कपूर यहाँ पर आई थी, उनके रिश्तेदारों का एक कार्यक्रम था और वहाँ पर एक रात भी रुकी, दो दिन वहाँ पर रही कनिका कपूर। तो एक और पार्टी में शामिल थी वसुंधरा राजे भी, कनिका कपूर वहाँ पर मौजूद थी और वसुंधरा राजे ने क्या ट्वीट किया वो आपको दिखाते हैं। कुछ दिन पहले दुष्यंत और उनके ससुराल वालों के साथ मैं लखनऊ में एक डिनर पर गई थी। कनिका कपूर जो कि कोविड-19 संक्रमित पाई गई हैं, मैं भी उस डिनर में बतौर अतिथि मौजूद थी। सावधानी के तौर पर मैं और दुष्यंत सेल्फ आइसोलेशन में हैं और हम सभी आवश्यक निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ये ट्वीट किया है वसुंधरा राजे ने, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा की और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो कुछ दिन पहले दुष्यंत और उनके ससुराल वालों के साथ मैं लखनऊ में एक डिनर पर गई थी। कनिका कपूर जो कि कोविड-19 संक्रमित पाई गई हैं, वे भी उस डिनर में मौजूद थी बतौर अतिथि। सावधानी के तौर पर मैं और दुष्यंत सेल्फ आइसोलेशन में हैं और हम अभी आवश्यक निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ से कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सभी रेस्टोरेंट होटल मिठाई की दुकानें बंद। इस वक्त की बड़ी खबर, फूड स्टॉल कैफे और खाने पीने की दुकानें भी बंद। डीएम ने 31 मार्च तक दुकानें बंद रखने के दिया आदेश। तो लखनऊ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, तो सभी रेस्टोरेंट होटल और स्वीट शॉप मिठाई की दुकानें बंद, फूड स्टॉल कैफे और खाने पीने की दुकानें भी बंद। तो डीएम ने 31 मार्च तक दुकानें बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ पूरा पश्चिम में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए सतर्क, रखिए अपना ख्याल, हाथ बार बार धोते रहिए और देखते रहिए एबीपी गंगा। हाथ साफ तो कोरोना साफ, खुद को बचाएं, दूसरों को भी रखें महफूज, दिल मिलाएं, हाथ नहीं, नमस्ते करें। समझदार बनो, कोरोना से बचो।